दोस्तों ये देखो, ये है बिल्कुल नया एक डीज बॉल जो कि टेस्ट मैच में खेला जाता है। तो आज हमारे पास ये बॉल आया है, लेकिन ये बॉल में कुछ अमेजिंग सी बात है। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, आपको बताएंगे कि ये कैसा बॉल है, इससे आप क्रिकेट खेल सकते हो या नहीं। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। हो गई। डब्बे में सबसे पहले मिला है हमें एक बॉल। उसके बाद डब्बे में मिला है हमें एक यूएसबी टाइप सी डाटा केबल, जो कि काफी अच्छा, मुझे देख के बहुत खुशी होती है जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट में टाइप सी डाटा केबल देता है। और उसके बाद हमें मिला है डब्बे में कि ये स्टैंड, जिसमें आप ये बॉल को ऐसे रख सकते हो, नहीं तो अगर ऐसे रखोगे तो ऐसे लुघर जाएगा, इसीलिए ये बॉक्स दिया है जिसमें आप ये बॉल को आराम से रख सकते हो। तो इसका खासियत मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई ऐसा वैसा बॉल नहीं है, ये बॉल जो है इसमें एक ब्लूटूथ स्पीकर लगा हुआ है, कॉलिंग स्पीकर, जिससे आप गाना सुन सकते हो और बात भी कर सकते हो। इस बॉल में देखोगे तो एक लाल कलर का ये फीता दिया हुआ है, जिससे आप इसे कहीं भी लटका सकते हो। आप अपने कार में, आप अपने बाइक में, आप अपने कच्छे में, कच्छा गलत एग्जांपल दे दिया, आप उसमें इसे कहीं भी लटका सकते हो इस तरीके से, जो कि आपको अच्छा मतलब लुक भी देगा और म्यूजिक भी बजेगा। आप अपने कार में लटका दोगे इसे तो अच्छा मतलब लुक भी देगा और म्यूजिक भी सुन सकते हो। और उसके अलावा इसमें यहाँ पे देखोगे तो चार बटन दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, एकदम छिपा हुआ बटन है, जिसमें एक पावर बटन दिया हुआ है, एक वॉल्यूम अप, एक वॉल्यूम डाउन, और एक इसमें मूड दिया हुआ है जिसे आप ब्लूटूथ FM मूड बजा सकते हो। इसमें ज्यादा मूड नहीं है, एक है मेमोरी कार्ड का और एक है चार्जिंग पिन, बीच में एक आपको सेंसर LED दिया हुआ है। और इसमें नहीं ऑक्स केबल, नहीं पेन ड्राइव, आप इससे नहीं बजा सकते, बस इसमें ब्लूटूथ और मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। अब बात करेंगे इसके फिनिशिंग का, तो ये फिनिशिंग इतना औसम फिनिशिंग किया हुआ है कि लगता है कि बिल्कुल क्रिकेट बॉल ही है, कोई एंगल से ये दूर से लगता नहीं है कि ये स्पीकर है, ऐसे देखो तो ये लगेगा क्रिकेट बॉल ही है। साइज का बात किया जाए तो इसका साइज भी जो है ना, वो बिल्कुल क्रिकेट बॉल की तरह एक मुट्ठी में आ सकता है, इतना साइज है, आप अगर बॉलिंग करोगे तो बॉलिंग भी होगा। अब बात करते हैं इसका मजबूती का, तो ये उतना मजबूत है नहीं, कचकरे वाला प्लास्टिक से बनाया हुआ है, अगर आप इसे बॉलिंग में एक बार पटक दोगे ना तो ये दो टुकड़ा हो जाएगा, तो आप लोग बॉलिंग मत करना, इसे बस म्यूजिक के लिए ही इस्तेमाल करना, क्योंकि इस बॉल में ब्लूटूथ स्पीकर लगा दिया। और कंपनी वालों का कहना है कि आपको 4 घंटे तक बैकअप देगा, 4 घंटा। और उसके अलावा इसका हम म्यूजिक सुन के देखते हैं कि इसका म्यूजिक कैसा है, तो चलो बजाओ। तो सबसे पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं। Xiaomi Music Speaker Bluetooth Mode, ये हो गया है ऑन कनेक्टेड, और ये हमने इसे कर लिया है कनेक्ट। अब हम इसे बजा के देखते हैं इसका साउंड है वाकई में एक्चुअली में कैसा। तुम्हें जो पठान मेरी जान, मैं भी ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर जाए। काफी भयानक साउंड है इसका, जैसा कि आप देख सकते हो। कंपनी वालों ने कहा है इसमें एक मैक भी दिया हुआ है, मतलब कि ये कॉलिंग ब्लूटूथ है, तो चल तो इससे आप बात भी कर सकते हो। और रहा बात इसका चार्जिंग का, तो आप टाइप सी चार्जिंग से इसे चार्ज कर सकते हो और ये 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और बात करेंगे आप सबसे कीमती इसकी दाम की, तो दाम का बात किया जाए तो कंपनी वालों ने इस बॉल का दाम 500 रुपया रखा था, लेकिन अगर आप इस बॉल को हमारे दुकान से लोगे तो हम ये मात्र आपको 499 में दे देंगे। तालियां ठोको ठोको। तो खैर ये था आज का वीडियो, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हम आपसे जल्दी न्यू वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।